तीस सुंदरी बनी मीना देवल। बरेली पटना समाज अर्धांगनी महिला समिति ने तीज महोत्सव बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। पटना समाज अर्धांगनी महिला समिति की अध्यक्ष गीता देवल ने बताया, हम पिछले 8 सालों से तीज महोत्सव का आयोजन करते आ रहे हैं। इस बार हमने कूचा सीताराम प्राचीन जगन्नाथ मंदिर में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन करा, जिसमें बच्चों ने भी रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। महिलाओं ने भी भिन्न भिन्न प्रतियोगिताएं भी भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से हर साल की तरह 30 सुंदर प्रतियोगिताएं भी रखी, जिसमें मीना देवी प्रथम रही, जिसमें 30 सुंदरी चुना गया और उन्हें जजेस कर रही बरेली कॉलेज बरेली की प्रोफेसर डॉक्टर चारू मनोत्रा ने 30 सुंदरी मीना देवल को ताज पहनाकर सम्मानित कराए एवं द्वितीय और तृतीय स्थान पर प्रभा देवी लक्ष्मी देवी को चुना गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूजा शर्मा, श्रीमती सौभाग्यवती गंगवार, अर्चना राजपूत, डॉक्टर चारू मनोत्रा, श्रीमती पूनम चौहान, श्रीमती सरिता पटवा आदि रही। गीता देवल, आज 30 क्वीन मिसेस मीना देवल को चुना गया है और सेकंड विनर हैं हमारी प्रभा देवल जी, और जो तृतीय पुरस्कार मिला है वो है लक्ष्मी देवी जी को। ये कार्यक्रम हमारा 8 वर्षों से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है और इस बार हमने ये कार्यक्रम जगन्नाथ मंदिर में करा है और हम ये चाहते हैं प्रभु की कृपा बस ऐसे ही बनी रहे और आगे जो आगे वाली जनरेशन है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। ये 30 जी मीना देवल बहुत अच्छा लगा। मैं तो पहली बार इस हिस्से की हकदार हुई हूँ कि मुझे आज इतने साल बाद, शादी के 30 साल बाद मुझे ब्यूटी क्वीन में चुना गया है। तो मैं हाउसवाइफ हूँ और यहाँ पर बहुत सारी प्रतियोगिताएँ हुई और बहुत सारे कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम हुए और तीज क्वीन की प्रतियोगिता हुई जिसमें मीना देवल जी को प्रथम स्थान दिया गया। और उसमें जो प्रश्नोत्तरी की गई थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये पूछी गई थी कि आज के त्यौहार का महत्व क्या है। मेरी निगाह में सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि हम आज वैज्ञानिक युग में जा रहे हैं, चंद्रयान 2 की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी संस्कृति को और अपने संस्कारों को, सभ्यता को, त्यौहारों को, परम्पराओं को अभी भी मान्यता दे रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी जो इन पुरानी परंपराओं को नहीं मानते हैं, फिर भी मैंने देखा कि आज की युवा लड़कियां, बहुएं, वो बेटियां, ये सभी लोग इस त्यौहार को बहुत ही चाव से मनाते हैं। और इस त्यौहार की सबसे बड़ा महत्व ये है कि हाथ में जब एक दूसरे के मेहंदी लगाते हैं, क्योंकि बाज़ार में भी लगती है मेहंदी, 100 रुपये दीजिए और मेहंदी लग जाती है, लेकिन बात वहाँ पर आती है कि जब हम बहनें, भाभी या ननद, माता या बेटी, ये मिलकर जब एक दूसरे की मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी लगाते लगाते बहुत सारी बातें होती हैं, जिसमें हम एक दूसरे के सुख दुख को, एक दूसरे के विचारों को हम जान पाते हैं और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान भी इसी के द्वारा होता है। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।